मुझे भी हिंदी बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है और हमारा शरीर भी कलकत्ता का है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी नहीं और गुजराती भी बोल नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा तो समझ लेता हूँ, जैसे दाम जी भाई गुजराती में बताया वो हम सब समझ लिया, बाकी बोल नहीं पाता। तो जहाँ तक है हिंदी में आपको सुना हुआ, अभी व्यक्तिगत तो हमारा जो शिष्य एल्फ्रेड फॉर का विषय श्रीमान दाम जी बताया, उनको अभी हमें नाम दिया है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज सारा पृथ्वी के सम्राट थे, बाकी उनको काम था भगवत गुरु। सभी मन कृष्ण पदारविंद वाचांश वैकुंठ गुणान वन। अम्बरीश महाराज सब राजकार्य करते हुए भी सब समय अपना मन जो है भगवान का चरणारविंद में लगा दे। सभी मन, ये जो मन है इसको यदि भगवान का चरण में कोई लगा दे देते तो फिर उसी से उनको सब लाभ हो जाए। तो अम्बरीश महाराज सब समय अपना जो मन है वो भगवान का चरण में लगा रखते थे और वाचांशी वैकुंठ गुणानुवर्णन, जब बातचीत करते थे तो भगवान का विषय ही करते। राजा थे उनको तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर लोग सेक्रेटरी लोग आए वो सब, उनसे अगर कोई खास बात करने को आए तो वो वैकुंठ गुणानुवर्णन। वैकुंठ का अर्थ होता है भगवान और वैकुंठ लोग भी होता है जहां भगवान रहते हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है जिधर कुंठा नहीं है, एंग्जाइटी। ये दुनिया में सब समय एंग्जाइटी है सबको, मनुष्य भी हो या चाहे देवता भी हो और चाहे पशु हो पक्षी हो, सबको ये वो जो एंग्जाइटी सब समय चिंतन आगे जाके क्या होगा, ये सब सबका भीतर है। तो वैकुंठ का अर्थ होता है जहां ये एंग्जाइटी नहीं है, कुंठा नहीं, सब आनंद है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न काम, वो वैकुंठ लोग मत भक्ति लभते पर। वो अब अम्बरीश महाराज वो जब बातचीत करते थे तो वैकुंठ का विषय, और चलते फिरते थे तो मंदिर जाते और रूप दर्शन करता था, भगवान का रूप दर्शन करता और भगवान का चरण में जो फूल तुलसी दी जाती थी उसको घ्राण लेते और जीवा में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते। यानी सब इंद्रिय है, आंख है, कान है, जीभा है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। अम्बरीश महाराज ये जानते थे कि ये सब इंद्रिय किस तरह से भगवान में लगाना चाहिए, इसका नाम है भक्ति। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनंग भक्तिरुच्य। भक्ति का अर्थ क्या था? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मल। ये जो हमारा सब इंद्रिय है इसको निर्मल करना चाहिए, अभी निर्मल नहीं है। जैसा हम लोग समझते हैं ये शरीर हमारा है, बाकी ये निर्मल ज्ञान नहीं है। निर्मल ज्ञान है कि शरीर भगवान, ये शरीर भगवान हमको दिया है। जैसा आप लोग हमारे जैसे सन्यासी को एक रहने का जगह देते हैं
इसी प्रकार ये जो शरीर है ये हमको भगवान देता है। असल में जैसे मकान मालिक एक कमरा हमको रहने को दिया है, उसका मतलब नहीं है जो कमरा हमारा संपत्ति हो। नहीं, संपत्ति तो मकान मालिक का है, बाकी हमको रहने को दिया गया। इसी प्रकार ये जो शरीर है, इंद्रिय है, ये सब भगवान की है, भगवान का उपकार करने के लिए है और हमको रहने दिया गया। मैं यदि ये शरीर से भगवान जो चाहते हैं उस काम को मैं करता हूं तो उसकी नाम है भक्ति। और कुछ काम जो आप कर रहे हैं, सकर्मणा तम अभ्यर्च्य संसिद्धि लभते नर, भगवान बताए अपना जो काम है करो, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष भी है तब भी अपना काम नहीं छोड़ दो। ये भगवान सदोषो वपि रत्तये, दुनिया में कोई भी काम कीजिए सभी चीज कुछ ना कुछ दोष रहता ही है। भगवान खुद बताया है जैसे अग्नि है पवित्र, उसमें भी एक दोष है, धूम है, धुआं है। तो ये दुनिया में बिल्कुल पवित्र चीज हो ही नहीं सकती, परंतु कोई भी चीज होए, कोई भी काम होए, यदि वो भगवान की सेवा के लिए है तो उसका नाम है भक्त। तत्परत्वेन निर्मल, वो निर्मल होता है, तत्परत्व वो भगवान के लिए किया जाता है इसलिए वो निर्मल है। इसलिए भगवान खुद बताया है कि पीछे सुदुराचार भजते माम अनन्न भाव, कि कोई व्यक्ति भगवत भक्ति शुरू किया है, अभी प्रवीण नहीं हुआ है, पूर्व अभ्यास का मुझे कुछ कुछ दोष भी मालूम होता है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, न अपीते सुदुराचा। हाँ, कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहे हैं बाकी बहुत से दोष भी दिखाई जाते हैं, तो भगवान उसके लिए बोलते हैं अगर सुदुराचार नहीं, अगर सुदुराचार भी हो, पीते सुदुराचार, बाकी एक गुण अगर उसका है जो भगवान को छोड़ करके और कुछ जानता नहीं, अनन्न भाव, केवल कृष्ण को ही जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान सर, इस प्रकार गुण जिसका है उसका अगर काम में कभी दोष भी दिखाई पड़े तो साधु रे समन्तम, वो साधु। ये हमारा दादी भाई जैसा साधु का महिमा वर्णन कर रहे थे, वास्तविक साधु महिमा संपन्न है। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं साधु संग सर्वशास्त्री को लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हो। साधु सब शास्त्र में है, साधु संग करने के लिए उपदेश दिया है। तथा दुस्संग उत्सृज सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुस्संग को त्याग करके साधु का संग कर। ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए साधु संग प्रधान, साधु संग आदो सध्या ततो साधु संग अथ भजन क्रिया तत अनर्थ निमित्त स्या तथो निष्ठा तथो रुचि तथो तथा शक्ति तथो भाव। साधु का नाम प्रेम न प्रादुर्भावे भवित प्रम, भगवत प्रेम लाभ करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं, ये दुनिया का प्रेम को छुट्टी लेकर के प्रेम तो रहेगा बाकी भगवत प्रेम सबका भीतर है, जानवर का भीतर भी प्रेम है,
कुत्ता भी अपना बच्चा को पालन करते हैं, शेर भी अपना बच्चा को पालन करते हैं। शेर छोटे छोटे बच्चे जब महान भयंकर शेर का ऊपर उजलता है, खेलता है, वो आराम पाते हैं। ये प्रेम का बात, तो प्रेम सभी में है, जीव मात्र में है। बाकी वो प्रेम ये जो हम लोग दुनिया में लगाते हैं, ये इसके नाम है माया। और वही प्रेम जब भगवान में लगाइएगा, उसके नाम है भक्ति। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषिकेश, और ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। तो इंद्रिय जब शुद्ध होकर के तत्परत्वेन निर्मलम भगवान की सेवा में लगाया जाएगा, उसके नाम है भक्ति। तो ये हमारे पास जो पुस्तक है चैतन्य चैतामृत, इसको इंग्लिश में हम लोग भाषांतर किया है। ये जैसा किताब आप हमारे सामने देख रहे हैं, ऐसी 17 किताब से संपूर्ण है, और ये सारा दुनिया में बड़े आदर से इसको ग्रहण करते हैं चैतन्य चैतामृत। तो उसी से एक आज श्लोक आप लोग को सुना होगा, ये उनके विषय है सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी जो कि रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, सिजी, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे। और वृंदावन में रहकर के चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको प्रचार किया था। उसी धारा अनुसार उनका पदानुसार अनुसरण करके जो हम लोग विचार दुनिया में प्रकट कर रहा हूं, ये चैतन्य महाप्रभु का विचार और उनका मिशन जो कि गोस्वामी लोग प्रचार किया था। और सभी शास्त्र छोड़ दिया है, उसी को हम लोग खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा में रूपांतर करता हूं, और जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, स्पेनिश भाषा में, ये सब यूरोपियन भाषा। तो किताब हमारा खूब बिकता है, आप सुन के तो आश्चर्य हो जाएंगे कि हम लोग 25 से 30 लाख रुपया के किताबें हर महीना में बेचता हूं, और इसी में हम लोग का खर्च चलता है। और जैसा ये बालक श्रीमान अल्फ्रेड फोर्ड, ये हम लोग को कम से कम 2.5 करोड़ रुपया दिया है। कभी हम लोग का खर्च चलता है, हमारा खर्च है कम से कम 20 लाख रुपया मावल, 100 सेंटर है। तो सब भगवान की कृपा से चल रहा है। 1 सेंटर आपका नैरोबी में खुला गया है, उसमें आप लोग सब को अच्छी तरह से सहयोग कीजिए और किताबें पढ़िए, और क्या हम लोग मिशन प्रचार कर रहा हूं उसको समझिए। ये कोई धर्म विशेष का बात नहीं है, असल में यही धर्म है। धर्म क्या चीज है? हाँ, उसको जमराज ने बताया है, जो कि धर्मराज है, धर्म का विचार कर। वो धर्म का विषय उनको जब पूछा गया, उनका अनुचर वर्ग जो ये अजामे महापापित है और इसको हम लोग ले आना था, बाकी विष्णु दूत आके इसको रक्षा की और लाने को नहीं दिया। तो धर्म अधर्म का क्या विचार है? उस समय धर्मराज बोला था, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है
वो जो भगवान जो कानून बता देता है उसका नाम है धर्म और सब अधर्म। हाँ, और सब अधर्म है, इसलिए भागवत में पहले ही बताया है धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र अत्र श्रीमद भागवते कोई तब धर्म प्रोज्जित। प्रोज्जित का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में उज्जित। जैसे आप लोग कमरे को साफ करते हैं और खूब अच्छी तरह से झाड़ पूछ करके मैला सब निकाल बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार जो धर्म नहीं है उसको अच्छी तरह से झाड़ू दे करके निकाल बाहर कर दिया गया है। ये भाव धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र परम अनिम सराना। और ये जो धर्म है परम धर्म वो किसके लिए है? वो निर्मत्सर के लिए, जिसको हिंसा नहीं है। हिंसा मत्सरता, मत्सरता का अर्थ प्रकाश किया है श्रीधर स्वामी। मत्सरता पर उत्कर्षहनम असहनम, दूसरे को तरक्की हो रही है उसको देख करके जो जलता है उसका नाम है मत्सरता। पर उत्कर्षणम असहनम, दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है ये दुनिया का नियम है। अपना भाई कभी तरक्की हो रही है तुमको भाई देख करके जले दूसरे का बात छोड़ दी। पर्सन टू पर्सन व्यक्तिगत तो होता ही है, फिर समाजगत तो होता है, फिर कौम, फिर धर्म हिंदू मुसलमान और फिर नेशनल फिर पार्टी। ये केवल मत्सर था, केवल मत्सर। इसलिए ये जो भागवत धर्म है उसके लिए है जो कि मत्सरता छोड़ दिया। परम निर्मत्सर वास्तव वस्तु विद्यम, वास्तव वस्तु जो है झूठा वस्तु नहीं, जो वास्तव वस्तु है उस विषय में, तो वो जो धर्म है धर्म प्रोजित यही वास्तविक लक्ष्य वस्तु है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म संस्थापन करने के लिए युग युग में अवतरण करता हूं। तो वो धर्म भगवान क्या बताया? जो धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं वो क्या धर्म है? वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, वो धर्म। जितने दुनिया में धर्म सब बनाया गया है ये सब धर्म नहीं है, ये सब कोई तब धर्म है। असल धर्म है भगवान में शरणागति। जो भगवान इतना दिन आपको मैं भूल के रहा, और सारा ब्रह्मांड में घूमते घूमते अनेक प्रकार 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते हमारा ज्ञान नहीं हुआ, अब जाकर के आपकी कृपा से तत्प्रसादा मधुसूदन, जैसे अर्जुन बताया तत्प्रसाद आपकी कृपा से नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो गया। और क्या मोह नष्ट होकर के क्या करोगे आप? करिष्ये तत् वचनम तव, जैसे आप बोलते हैं वैसे करें, इसका नाम मोह नष्ट। हमारी मन माफी का आप काम नहीं करेंगे, जो आप बोलेंगे वही करें। भगवान वही बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, हमारा शरणागत हो जाओ। तो शरणागत होना माने मतलब क्या होगा? जो भगवान जो कहेंगे उसको मानना, इसका नाम है भक्त। या मन माफी नहीं, जो भगवान कहते हैं उसको करो, उसका नाम है भक्त। और उसका नाम है धर्म। जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं और भगवान जैसे बोलते हैं ऐसी बात करते हैं वो है भक्त। और जो भक्त हुआ वो मुक्त हो, उसी भगत मुक्त हो गया, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं
जो तुम शरणागत हो जाओ अहंगत्वा सर्व पापे भव मोक्षयामी। जब भगवान उनको पाप से सब मुक्त कर देते हैं फिर मुक्त होने का बाकी क्या है। आदमी दुख भोगता है पाप से और भगवान कहते हैं यह हंगता सर्व पापे भव मोक्षयामी। तो जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसको और पाप नहीं है, पाप से खत्म हो गया। यद्यपि वो फिर पाप नहीं करें तो फिर उसका पाप नहीं है, मुक्त हो गया। इस विषय में भगवान बताया कि मान व्यभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सीवते सगुणान समति त्वयितान ब्रह्म भूयाय कल्पत। जो अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान के चरण में लगा देते हैं, इन अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ होता है जो भगवान जैसा बता रहे हैं और भगवान का कथानुसार साधु शास्त्र जैसे बताते हैं उसका नाम है अव्यभिचारिणी भक्ति, विधि भक्ति। ऐसे बड़े बड़े आचार्य लोग विधि बताए हैं कि सांग विधि सब भगवान ही बताए, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। आचार्य होता है जो भगवान जो विधि बताए हैं उसी का अनुसरण करके काम करते हैं, उसका नाम है आचार्य। तो भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेतंग शरणम् भजामि, या हमारा चरण में शरणागत हो जाओ और कोई धर्म जाजम करने की आवश्यकता है तो उसके नाम है शुद्ध भक्ति। जो शास्त्र में जैसा दूसरी दूसरी देवता को पूजन करने के लिए बताया तो किसके लिए बताया, जो कि कामी है, जो कि दुनिया में भोग करने को चाहते उसके लिए। कामस्तस्य हितज्ञान जजन्ते अन्न देवता, जो अन्न देवता का भजन करते हैं पूजन करते हैं कौन है वो, कामस्तस्य हितज्ञान, वो काम के द्वारा उसको ज्ञान शून्य हो गया, इसलिए दूसरे देवता को भक्ति करते हैं। वो दूसरी देवता से जो कुछ मांगते हैं वो क्या भगवान नहीं दे सकते। दूसरी देवता लोग क्या है, जो भगवान का नौकर चाकर है तो मालिक क्या नहीं दे सकता। यदि आपको दुनियादारी के लिए कुछ चीज चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करने से भगवान क्या नहीं दे सकता। इसलिए शास्त्र में बताया है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति जोगे न जजेत परमं पुरुष। परम पुरुष कौन है, कृष्ण, जैसा अर्जुन समझा पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम। ये भगवान कृष्ण है आदि पुरुष गोविंद। तो दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक तो है अकामी जिसको कोई कामना है ही नहीं, जिसको भगवान को मिल गया है उसका कुछ कामना ही नहीं, शामीन कृतार्थ हो उसमें बरंग न जाची। जैसा ध्रुव महाराज वो बचपन में बालक 5 वर्ष का बालक, उनको सतैली माता जी अपमान किया था तो उसको प्रतिज्ञा है जो ये मैं पिताजी का जैसा राज्य है उससे भी कोई बड़ा चीज हम लाभ करूंगा, तो भगवान का भजन किया। तो जब भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि भगवत भजन करते करते पवित्र हो गया, फिर उसका कुछ कामना ही नहीं। तो जब भगवान का दर्शन हुआ भगवान बोला बेटा क्या चाहिए, क्यों इतना बालक है तुम तपस्या कर, क्या चाहिए मांग लो। तो उस समय ध्रुव महाराज कहते हैं स्वामी काचंग विचिन्नन अभिदिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, अब हमको हीरा का टुकड़ा मिल गया तो फिर हमको और क्या चाहिए। स्वामी पिता बस और कुछ नहीं चाहिए, आपको जब दर्शन हो गया फिर हमको क्या चाहिए, पिता तो उसमें बरग न जाते। ये भगवत भक्ति का लाभ है, कि भगवत भक्ति लाभ होने से उसको सब चीज लाभ हो जाता।
देखिए बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू अब स्टडी कीजिए, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट हमने शुरू किया था 40 रुपये, अभी हमारे पास 40 करोड़ है और 10 बरस में। लाइए कोई बिजनेसमैन, लाइए कोई बिजनेसमैन, और 102 सेंटर है, बिजनेसमैन कितना ब्रांच खोल सकता है? तो बात सही है कि जब लब्धा चाप रंग लाभंग मन्नते नाधिकंग तथा, जिसको लाभ हो जाने से फिर कोई लाभ का चीज ही नहीं होता, सब लाभ हो जाए, ऐसी चीज है भगवत भक्ति। तो मनुष्य जीवन में चाहिए कि किस तरह से भगवत भक्ति लाओ, भगवत प्रेम। भगवत भक्ति का अर्थ होता है भगवत प्रेम, भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए राजी। जैसे गोपी लोग, गोपी लोग कृष्णा रात 12 बजे बंसी बजा रहे हैं और गोपी लोग सब उधर दौड़ रहे हैं, कोई अपना बच्चा को पाल रहा था उसको छोड़ दिया, कोई दूध पकाती थी उसको छोड़ दिया, कोई गृहस्थी काम छोड़ दिया, उनके पिताजी ससुर ये भाई ये कहां जाती है कहां जाती है, कौन पूछता है सब, चलो समझ। इसलिए चैतन्य महापुरुष बताए जो गोपी लोग जैसा भजन किया था, ये भगवान के लिए अपना धन प्राण मन और संसार और प्रतिपत्ति कोई नहीं, सब छोड़ दिया, इससे बढ़कर कोई भजन नहीं है। चैतन्य महापुरुष ब्रह्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग भी जा कल्पिता, ब्रजवधु लो जिस तरह से भक्ति भगवान का लिए की थी उसके बढ़कर के और कोई उपासना है आखिरी पर। हाँ, और सब गोपीय से सबसे बड़ी गोपी जो है राधा रानी, अनया राधते इति राधा। ये जब विचार है भगवत भक्ति, और हम लोग ये श्रीमद भागवत का अनुसार श्रीमद भागवतम अमलम पुराणम, महापुराण है, इसको प्रचार कर रहे हैं, और बड़े बड़े आचार्य लोग जिस तरह से जिस लाइन में प्रचार किया है उसको अनुसरण करते हैं, और भगवान की कृपा से फल भी हो रहा। तो ज्यादा समय नहीं रह गया, दो चार बात और कह देंगे कि ये जो भगवत भक्ति प्रचार के लिए जो 6 गोस्वामी लोग अपना जीवन दिया था उसका भी तक सनातन गोस्वामी, ये सनातन गोस्वामी कौन थे? उस समय बांग्लादेश में जो मुसलमान पाठानी राज्य था, नवाब हुसैन शाह वो बांग्लादेश का राजा थे, उनको मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये चैतन्य महापुरुष से जब उनका मुलाकात हुई तो ये अपना राजकार्य छोड़ करके और चैतन्य महापुरुष पास चले आए, बड़ा मुश्किल से आए, वो राजा छोड़ नहीं रही था, क्योंकि प्रधानमंत्री है और उनको ऊपर सब छोड़ करके वो मुसलमान से मजा करते थे। ये बाकी राजकार्य जो चलाने वाला ये दो भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो वो रिजाइन देने से उनको बहुत हर्जा हुई, सनातन गोस्वामी जेल में रख दिया था कि तुम नहीं जा सकते, ऐसी बात नहीं है। तो तब भी कोई किसी तरह से वो चले आए, तो वो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ये काशी वाराणसी में प्रचार कर रहे थे उस समय वो आया बांग्लादेश से, और उनको फिर संस्कार दिया गया कि परमहंस देश, और उनको 2 महीने तक भगवत भक्ति का विषय उनको खूब सिखाया। तो जब पहले मिला चैतन्य महापुरुष से तो सनातन गोस्वामी का यही प्रश्न था कि कहते हैं कृपा करी यदि मोरे करिया छो उद्धार, अपना कृपा से कहो कर्तव्य आमा, आप तो कृपा करके हमको ये मिनिस्टरशिप से हटा करके और आपके चरण में ले आए हैं, तो कृपा करी यदि मोरे करिया छो उद्धार,
ये अभी का कृपा है, हमको इस विषय से उद्धार कर लिया हमने, आप कृपा करके बोलिए हमारा कर्तव्य क्या। इसका नाम है गुरु का पास जाना। गुरु कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, गुरु बना लिया, गुरु अपना घर में रहे, हम घर में रहे, नहीं। ये सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं कि गुरु करने का बाद फिर क्या काम है। फिर काम है जो गुरु से शिक्षण लो, जो जीवन में कर्तव्य क्या है। सद्धर्म प्रीक्षा आदु गुरुवासरम, साधु धर्मानु गमनम सद्धर्म प्रीक्षा, ये सब नियम है। सद्धर्म प्रीक्षा गुरु करके उनसे पूछना चाहिए सद्धर्म क्या चीज, जीवन को किस तरह से बनाना चाहिए। तस्मात गुरुम प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु किसके लिए जरूरत है? जो कि उत्तम विषय में जिज्ञासु है उसके लिए। गुरु एक फैशन नहीं है कि गुरु कर लिया हमने, नहीं। गुरु उसके लिए जरूरत है। तस्मात गुरुम प्रबद्धेत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। श्रेयम उत्तमम, श्रेयम माने भलाई, सभी चाहते हैं अपने भलाई के लिए, तो सबसे उत्तम भलाई क्या है उसको पूछने की, इसलिए गुरु का जरूरत। तस्मात गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु से उत्तमम। तो फिर गुरु इस तरह से होने चाहिए जो कि उत्तम विषय में बता सके। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्, ये गुरु का लक्षण है। शाब्दे वेदादि शास्त्र में पारंगत है। शाब्दे परे च निष्णातं, जैसा पानी में हम लोग स्नान कर लेते हैं बिल्कुल पानी में डूब करके और पवित्र हो जाते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति जो ब्रह्म में स्नान किया है शाब्दे परिचन स्नातम, और उसको फल स्वरूप क्या है ब्रह्मणि उपसमात स्वयं, और सब चीज छोड़ करके उपशम करके केवल ही ब्रह्म पद में उसको लग्न है, ये गुरु का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु का पास आकर के ये सनातन गोस्वामी पूछा जो हमारा कर्तव्य क्या है, आप तो कृपा करके हमको मिनिस्टरी से छुटा के ले आए हैं, और अभी हमारी क्या कर्तव्य है ये आप बताइए। कि हमी कहन अमाय जापे तापोत्र यह ना जानी कमने ही था। तो सनातन गोस्वामी बताए हैं कि अब आपके पास आए हैं तो हमको बताइए जो मैं है कौन, हम मिनिस्टर है कि हम सनातन गोस्वामी है कि और कुछ है और किसी, यही तो मैं जानता नहीं। जब जैसा समय हुआ हम तो बन गया, उसी में बैठ गया, उसी में पूरा काम किया, लेकिन असल में है मैं क्या ये बताइए। हम ये गुरु को प्रश्न होने चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझता है ये शरीर कोई देहात्म बुद्धि, मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं बंगाली है, मैं गुजराती है, मैं अमेरिकन है, मैं इंडियन है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार उपाधि से विभूषित होकर के मैं अपने को समझता हूं। बोलिए असल में मैं है क्या, ये पूछना। हम कौन है, हम हिंदू है ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, गुजराती है, बंगाली है, और काला है, सफेद है क्या है, ये पूछना। ये गुरु का पास पूछना चाहिए, इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान। श्रोतव्यादि निराजेंद्र निराम संति सहस्त्र गृहेशु गृह में आत्मतत्व जो नहीं जानते हैं वो मूर्ख ही रह जाते हैं। तो इसलिए सनातन प्रभु सनातन गोस्वामी ये पूछ रहे हैं कि आमी कहने मोरे जापे तापो भगवत भक्ति, पहले आपने को समझा था कि आमी कहनो मोरे जापे तापो, मैं है कौन, और तीन प्रकार के जो भौतिक ये जो प्लेस है उसको क्यों हमको सहना पड़ता है, हम तो चाहता है, कौन मरने को चाहता है, बाकी सब मरता, ये पूछना चाहिए। जो हम तो मरने को नहीं चाहता हूं, हम तो अब बुढ़ापा में आने को नहीं चाहता हूं, सब समय नौजवान रहने चाहता हूं, फिर हमको जबरदस्ती क्यों बुढ़ा बनाया जाता,
ये प्रश्न होना चाहिए। हाँ, ये आमी कहने वाली जाते था पुत्र। हाँ, इसका नाम है सत्संग है, और इसके लिए हमारा भारतवर्ष में अनेक प्रकार साधु संघ का विचार है। विशेष करके भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान बता रहे हैं, तो हम लोग के लिए उचित है जो जैसा भगवद गीता में बताया है उस प्रकार शिक्षण ले करके अपना जीवन धन्य करें। और इधर जो हम लोग ये केंद्र खुला है, ये हमारा मिशन यही है और कुछ नहीं है। चैतन्य महापुरुष का मिशन है। चैतन्य महापुरुष का क्या मिशन है? यही मिशन है कि तीन दफे चैतन्य वहां बताया जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। जिसका भारतवर्ष में जन्म हुआ वो साधारण मनुष्य नहीं है। ये देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान से जब हमको और एक जगह भारतवर्ष में जन्म दे दिया जाए। भारतवर्ष का जन्म ऐसी है, अभी तक इतना नास्तिकवाद फैलाया जाता है, तब भी भारतवर्ष में कुंभ मेला होता है, करोड़ों आदमी आते हैं, और हम लोग को ऐसे ही कोई दीन दीन व्यक्ति कोई अगर उत्सव करते हैं तो रोजाना 20-30 हजार आदमी साहब देखने सुनने को आते हैं। ये भारतवर्ष है, इसलिए चैतन्य महापुरुष विशेष करके बताया है भारत में कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो आप लोग सब भारतीय है, भारतवर्ष में आप लोग का जन्म आता है, इधर आए हैं व्यवसाय के खातिर में और कुछ करते नहीं, बाकी ठीक है। बाकी चैतन्य महापुरुष कहते हैं अमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश, जो हमारी अभ्यास है आप लोग सब भारतीय जितने हैं सब गुरु हो जाएगी। अमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश, आप लोग अफ्रीका में आए हैं ये अफ्रीका देश को उद्धार कीजिए, ये आप लोग का कर्तव्य। खाली रुपया कमाना नहीं, रुपया कमाइए बाकी परोपकार के लिए खर्च कीजिए, ये भारतीय का कर्तव्य है, ये चैतन्य महापुरुष का। और किस तरह से अब गुरु हो जाए, कैसे गुरु है? हमारा तो कोई विशेष विद्वान है नहीं, कोई जानते ही नहीं। नहीं, कोई विद्वान का होने का जरूरत नहीं है, फिर कैसे गुरु हो गए? जरे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस गुरु हो। कोई ढंग दिखाने का जरूरत नहीं है, सोना बनाने का जरूरत नहीं, केवल कृष्ण जो बताया है उसको बताओ, अब गुरु होगा। यही आप लोग से हमारा प्रार्थना है, जो आप लोग भारतीय है इस देश को उद्धार कीजिए। अब देखिए का अफ्रीकन लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं, ये सभी आप लोग, हम परदेश से आदमी ला करके ये नचाते हैं, आप लोग यही नचा सकते हैं क्यों? ये हमारी प्रार्थना, आप लोग ना चाहिए, आप लोग इधर हैं, ये बेचारी परदेशी अमेरिका से यूरोप से लाकर के इसको नचाने पड़ेगा हमको, ये आपसे प्रार्थना है, ये निवेदन है, इसको ग्रहण कीजिए, इस तरह से काम कीजिए, सेंटर मौजूद है, अच्छी तरह से इसको बनाइए, जैसे जैसे शास्त्र में लिखा है उसे काम कीजिए, गुरु बन जाइए, उसको उद्धार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।